लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे 7 महीने के बच्चे को क्या का खिलाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं पूरे दिन की एक मील की लिस्ट जो बच्चे को आपको खिलाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7 महीने का होते ही बच्चा कुछ कुछ एक्टिविटी करने लगता है, जैसे खुद को उठना, बिना सहारे के बैठना और फिर कई प्रकार। कई बार 7 महीनों में बच्चों के दांत निकलने भी शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि 6 महीने बाद 7वें महीने में बच्चों को माँ के दूध के साथ साथ ठोस आहार भी दिया जाता है। इससे पहले बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बच्चों का आधार सिर्फ माँ का दूध ही होता है, लेकिन 6 महीने के होने के बाद इसके लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए उसे ठोस आहार दिया जाता है। हालांकि 7 महीने के शिशु को क्या ठोस आहार और किस वक्त देना चाहिए, इसको लेकर के पेरेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। न्यू पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा कुछ खाता ही नहीं। अगर आप मेरी ही तरह न्यू पेरेंट बने हैं और 7 महीने का आपका बच्चा ठोस आहार खाने में आनाकानी करता है, तो 7 महीने के बच्चे को कितना खिलाना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7 महीने का बच्चा दिन में 2 से 3 बार ठोस आहार खाता है। बच्चे के ठोस आहार खाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसे ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत नहीं है। 7 महीने के बच्चे को 3 से 4 बार ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क के साथ ठोस आहार देना चाहिए। 7 महीने के बच्चे की डाइट चार्ट में आपको बता रहा हूँ, तो सुबह 7 से 8 बजे 7 महीने के शिशु को उठने के तुरंत बाद माँ का दूध देना चाहिए। 8 से 10 बजे के बीच बच्चे को अक्सर दलिया या खिचड़ी दी जा सकती है, वो इसे आसानी से हजम कर सकता है। अगर आपने कुछ ही दिन पहले बच्चे को ठोस आहार देना शुरू किया है, तो उसे दिन में 1/4 कप दलिया या खिचड़ी दें। ध्यान रखें, दलिया खिचड़ी एक तरह से पूरा उसको मिक्स कर देना है, टोटल दाने जैसा नहीं रहे, उसको आपको ख्याल रखना होगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच ध्यान रहे आपका शिशु एक बार ठोस आहार ले चुका है, इसलिए उसे अब ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। 2 बजे से 3 बजे के बीच इस समय आप शिशु को दाल का पानी, दाल का सूप, केले या पपीते का मैस, किसी भी अन्य फल का प्यूरी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा उसमें आपको जैसे कोई भी कड़क चीज़ नहीं हो, उस बात का ध्यान रखना। एकदम पिसा हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं। एकदम पपीता दे रहे हैं तो एकदम मैश किया होना चाहिए, केला दे रही हैं तो एकदम मैश किया होना चाहिए। 4 से 7 बजे के बीच इस वक्त 7 महीने के शिशु को कुछ भी खिलाते वक्त ध्यान दें कि वह है अब कुछ वक्त 7 से 8 घंटे की नींद लेने वाला है। ऐसे में बच्चे को कुछ हल्की सब्जियां वाली स्मूदी, ओट्स का खीर या मटर की प्यूरी दें। बच्चे कभी भी एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उनके कोई चीज़ बनाते वक्त ध्यान दें कि इसमें वैरायटी हो। खाने में ज़्यादा रंगों को शामिल करें ताकि बच्चा उसके प्रति आकर्षित हो और खाने की डिमांड करे। सपोज आपने मंडे कुछ दिया तो ट्यूसडे कुछ देना है, सुबह कुछ दिया शाम को कुछ और देना है, हर दिन चेंजिंग रहेगा तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ खाना खा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।